बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी लर्नर पॉइंट्स। ट्रेनिंग आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ई कॉमर्स मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स है उसकी क्विज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। क्विज के बटन को मैंने क्लिक किया और उसके बाद टेक अ क्विज डेटिस पे गया, उसको क्लिक किया तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये तमाम इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर ली होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को थॉरली 2 या 3 टाइम्स रीड आउट करें, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो चले हम अपने टाइम को सेव करने की खातर डायरेक्ट क्विज स्टार्ट करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट क्विज। हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है। After successful local installation of XAMPP, we can type in browser URL to verify installations. तो चार ऑप्शन हमारे पास कौन से हैं? लोकल होस्ट, /dashboard, फॉरन होस्ट /dashboard, होस्ट /dashboard, XAMPP /dashboard। तो चार में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा, हमने उसको चूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, लोकल होस्ट /dashboard। सेम एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ अस। कार्डिनलिटी एक्सप्रेसेस द डैश नंबर ऑफ एंटिटी अकरेंसेस एसोसिएटेड विद वन अकरेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी। कार्डिनलिटी कह रहे हैं जो बयान करता है एक एंटिटी के कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस को जो के एसोसिएटेड होता है रिलेटेड एंटिटी की अकरेंस के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, मल्टीपल, मिनिमम, सिंगल। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू द ऑप्शन इज मैक्सिमम। सो सेम एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर। अ डैश रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ कार्डिनलिटी दैट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज ए एंड बी इन विच ए मे कंटेन अ पैरेंट रिकॉर्ड फॉर विच देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन बी एंड वाइस वर्सा। तो रिलेशनशिप की टाइप हमने बतानी है जो उसमें ये एक वो कार्डिनलिटी हो, और उसके साथ वो कह रहे हैं कि ए बी में से कोई भी एंटिटी हो सकती है जिसका एक पेरेंट हो, उसके कई जो रिलेशन है एट्रीब्यूट के साथ हो, दूसरे के साथ चाइल्ड के साथ जिसको हम चाइल्ड कह रहे हैं उसके साथ लिंक करता हो, और अगर ए है तो बी है तो ए, यानी वाइस वर्सा का मतलब। तो हमारे पास 1:1, 1:many, many:many, many:1, तो 1:many। सेम एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। XAMPP इज अ लोकल सर्वर, डेटा सर्वर, डिजिटल सर्वर, मोबाइल सर्वर। तो XAMPP हमारे पास कौन सा सर्वर है? तो आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1, लोकल सर्वर एज अ करेक्ट 1। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ अस। XAMPP is a dash of softwares. कह रहे हैं XAMPP dash softwares है। चार options: bundle, installer, server, online store. तो चार options हैं, चार में से कौन सा correct है वो आपने select करना है। तो मेरे हिसाब से जो option number 1 है फिर से correct one is the bundle of multiple softwares. So I will click on save and move to the next question. Question number 6 is now in front of us. Dash is a minimum number of records that can exist in child table per parent record. Minimum number of records की बात हो रही है जो कि child table में exist कर सकते हैं in accordance with the parent record. कौन कौन से हमारे पास option है? Cardinality, optionality, relationship, entities. तो मेरे हिसाब से ये option number 2 है, optionality, minimum number. So save and move to the next question. Question number 7, now in front of us.
When we type localhost in browser URL after installing XAMPP, if we see error, the site cannot be reached, we ensure that dash is started. Karen, jab hum localhost URL browser mein type karte hain, XAMPP ko install karne ke baad, agar hum ye error dekhte hain ke site cannot be reached, yani site ko access nahi ho sakti, we ensure that hame yakeen karna chahiye ke is started hai. Kya? Char options: Apache, Windows Explorer, Notepad, Mozilla Browser. To mere hisab se ye Apache hai, ye must be on start position. Save and move to the next question. Question number 8. Shopify users must set up for store creation. Dash XAMPP Shopify cloud account. I think Shopify. I think Shopify cloud account. Save and move to the next question. As a rule, the key of parents table act as a foreign key in child table. कह रहे हैं rule के तौर पर या school के तौर पर parent table की जो key है वो child table में foreign key के तौर पर act करती है. कौन सी? चार option है हमारे पास: unique, primary, parent, null. तो मेरे हिसाब से है ये primary जो की है parent table की, वो child table में ऐसे find की act करती है. Save and move to the next question. Now the last question in front of us. Which one is self-hosted and SaaS application? कौन सी self-hosted और SaaS application है? Magento, PrestaShop, Shopify, OpenCart. So I think self-hosted Shopify है. Save and move to the next question. यहाँ हमारा quiz खत्म हो गया. तो अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें ताकि सबका भला हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.